explanation first for disaster. Explanation first for disaster. A person is not deprived of the right of private defense against an act done or an attempt to be done by a public servant as such, unless you know or has reason to believe that the person doing the act is such public servant. इस बात में और क्लियर करती नॉलेज या रीजन टू बिलीव मेरे को कोई नॉलेज नहीं है या विश्वास करने का कोई कारण नहीं है मेरे पास है कि भाई ये कोई पब्लिक सर्वेंट हो सकता है जो मेरे खिलाफ एक्ट कर रहा है तो आरपीडी मिलेगा धमका होते हैं ना सीआर कई बार प्राइवेट गाड़ी में कोई सिविल ड्रेस में हम प्राण खातर आ गए तो उस केस में ये मिला अच्छा आपने बोल ही दिया कि मैं ये हुआ है इसको लेकिन उस खातर पता क्यों होना चाहिए फर्स्ट टाइम तो ऑफेंडर होना चाहिए मैं ठीक है उनकी तरफ से इस तरह की कोई वार्निंग ना होनी चाहिए वे किसी काम में किसी आदमी ने बैठा रहे हो कि आपने फलाना पकड़ना है उसने गवाह बना ले कि देखो हमने वार्निंग दी थी सीआईए स्टाफ को तो तक ये थोड़ी पुलिस आ गई है फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के खिलाफ ये पुलिस आ सकता है क्योंकि आज तक उसने पता है आई तो विजुअल क्रिमिनल हो गया है उसने पता है उसने तो पता है हुआ है उन्हें नहीं जाना गया उस होता ठीक है कहने का मतलब कोई सिचुएशन आपने क्रिएट कर दी इसी के ना तो मेरे को नॉलेज थी और ना रीजन टू बिलीव था विश्वास करने का कारण ही नहीं था मनीषा कोई काम कराया ही नहीं मेरे खिलाफ कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही ना रही पहली बार ऐसा हो रहा है इनकी तरफ से कोई वार्निंग कोई ठीक है कोई भी छोटा मोटा केस हो तो इस बात क्या हो फर्स्ट टाइम वुमन है क्या हो नहीं फर्स्ट टाइम ऑफेंडर इस केस में भाई अगर पुलिस ऑफिसर कोई ड्रेस में है तो मैं बड़ी केस का है बात कि नॉलेज कौन थी एक्सीडेंट टू बिलीव कौन था तो सीधा है बस बेस में जिसे मैं पकड़ रहा हूँ उस पर पहले उनको छोटा मोटा मुद्दा मारा गया वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर नहीं रहेगा सत्यम भी आप उसका हाँ बिल्कुल जो आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस में कोई जो मेंशन है वो मेंशन फाइनल है बिल्कुल फाइन भी एक सजा है नहीं पेनल्टी नहीं क्यों है सजा है सेक्शन 53 में हाँ सजा का एक प्रकार का ठीक है आई ने एक्सप्लेनेशन समझ में अब है करो दो ये है देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट व्हिच डज नॉट रीजनेबली कॉज द क्रिएशन ऑफ डेथ और ऑफ प्रीवियस हर्ट इफ डन और अटेम्प्टेड टू बी डन by the direction of a public servant, acting in good faith under cover of his office, though that direction may not be strictly justifiable by law. Clause 1 था, वो खुद एक public servant के लिए था, और clause 2 है, वो किसी second person के ऊपर लागू है, जो खुद public servant तो नहीं है, लेकिन public servant की direction में कोई काम करे। भाई वारंट एग्जीक्यूशन के टाइम ठीक है ए नाम का कोई विलेजर था उसकी मदद ली पुलिस ने हेल्प ली कोई तो ए जो है उसके लिए है तो उसको विभाषण भाई भाई खुद पब्लिक सर्वेंट है एक्स वारंट एग्जीक्यूट करना था अरेस्ट वारंट वो खुद कर ना पाया या इनकैपेबल था उसने ए की मदद ली तो क्लोज टू ए के ऊपर लागू क्योंकि ही इज एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट एक्सप्लेनेशन टू ए पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट डन और अटेम्प्टेड टू बी डन by the direction of a public servant, unless he knows or has reason to believe that the person doing the act is acting by such direction, or unless such person states the authority under which he acts, or a
to get authority in writing unless you produce such authority in writing. ठीक है, कोई पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन में किसी आदमी ने काम करे तो अगर मैं ये कहूँ कि तू कौन है, पब्लिक सर्वेंट है, उसने मना कर दिया ना, तो कैसे अरेस्ट करने के जाए? कभी मैं अंडर डायरेक्शन हूँ अथॉरिटी के साथ, अगर मैं अथॉरिटी शो नहीं करता तो मेरे खिलाफ आरपीडी है, और अगर मैंने प्रॉपर अथॉरिटी दिखा दी तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि पब्लिक सर्वेंट का जो आरपीडी है वो इतना आसान नहीं है, और मेरा जो राइट जो सेक्शन 99 में नहीं है नो आरपीडी वो भी इतना आसान नहीं है, उनके खिलाफ भी बहुत बंदिश है। कोई पुलिस वाले मार दिए और मैंने आरपीडी क्लेम करा, मेरे को मिले समझ के है कि इतनी छोटी भी छोटी नहीं है, अपने किसी गोली मार लिया मेरे खिलाफ तो आरपीडी कर रहा है, वो कम साइड तो प्राप्त है। ठीक है, क्लोज तीन पद, देयर इज नो राइट ऑफ प्राइमरी डिफेंस इन केसेस इन व्हिच टेक टाइम टू हैव रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी। लैंग्वेज आई समझ में? टाइम टू हैव रिकोर्स टू पब्लिक अथॉरिटी, उस किसी भी केस में आरपीटी नहीं मिलेगा जिस केस में मेरे पास टाइम था कि मैं पब्लिक अथॉरिटी को अप्रोच करूं। कानून हाथ में नहीं लेना है, इसका मतलब क्लॉज तीन का मतलब क्या है कि कानून हाथ में नहीं लेना है। ये सारे आंदोलन कर सारे कानून हाथ में ले लिए थे, कौन जितने आंदोलन कर दिया है आंदोलन कर ले, उसकी एक पार्टी को हमको जमीन का टुकड़ा है, बी कोई मुखबिर खास है या दूत है एक्स का, और इस बी के हाथों से ए को खबर पहुंचवाई गई कि भाई मंगलवार में खेत के ऊपर कब्जा मारा हो जाएगा, नहीं अपने आप छोड़ सही है, बी ने खबर पहुंचवाई एक्स को, बी दूत था, बी के थ्रू पहुंचवाई, बी के थ्रू एक खबर पहुंचवाई गई, एक एक या जमीन तो जमीन खाली कर दी, नहीं तो ठीक ये रहेगा तारीख का कितनी हो गई 14 तारीख का या लगा लो 15 तारीख रात में मैं खेत में था और उन्होंने हमला कर दिया 14 की रात में, ठीक है लड़ाई हो गई, इसको खुद कौन आया था और ए जो था उसने एक्स जो था उसका एक भाई उसका मर्डर कर दिया, कोर्ट में मुकदमा पहुंच गया तो एक पली ले हुए है कि जी सीधी बात है आरपीटी था राइट ऑफ प्राइवेट, ठीक है कोर्ट ने एक बात सभी जो वकील था उसने कही कि जी एक दिन पहले आपके पास इंफॉर्मेशन थी कि कुछ झगड़ा हो सकता है संभावना है और आपने इस चीज का ज्ञान था तो सेक्शन 99 क्लॉज 3 का यू हैव टाइम टू हैव रिकोर्स टू पब्लिक अथॉरिटी आप गए तो एकदम तरफ की डिस्कशन सुन लिया आपने तो केला पे हाथ पीटी मिलेगा या ना मिलेगा,
इन्फॉर्मेशन थी, टाइम भी था, पब्लिक अथॉरिटी के पास जाने का, तो आरपीटी मिलना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में आरपीडी मान लिया।